नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्नेक मैन हरियाणा में। और हम पहुंचे हैं करनाल। करनाल से कॉल आई थी और यहाँ सांप देखा गया है, काछवा रोड पर है। तो चलिए सर्च करते हैं। उसके पास देखा, बताइए मैं कहा देखा है, बता दूंगा। कंडा है पीछे और रोलर साहब है नहीं, जो उसके एक आगे इसके नीचे जा बैटरी मारी दी। देखियो कंडा जी, यू कंडा इसके नीचे देखियो। मैंने तो दोस्तों देखिए कितना सामान था, सारा सर्च किया। हालांकि हमने उठाया नहीं इतना सामान, लेकिन अच्छे से बारीकी से इसकी जांच की। सामान को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमने इसकी बारीकी से जांच की भी सांप के चलने के निशान कहां मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि बोलते हैं भी पक्के फर्श पे निशान कैसे मिलेंगे। और हमने सांप को ढूंढ निकाला, अंदर तक हमने इसको सर्च किया। इसके नीचे घुमाया था, हाँ नहीं तो दोस्तों काफी कुछ सर्च करने के बाद सांप के दर्शन हमें हो चुके हैं। एक लंबा गोदाम था, काम ज्यादा था, और उसके बावजूद भी सांप को बड़ी जल्दी ढूंढ निकाला। और दोस्तों आप देख सकते हैं एक रेड स्नेक, एक हमलावर सांप, एक बड़ा रेड स्नेक गुस्से में आते हुए इसका कई बार ये काट भी लेते हैं। आप इसका गुस्सा देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये चेहरे पर आए तो काट भी देगा। आप इसका गुस्सा देख सकते हैं। ये निकलने की ताक में थे जी। हाँ निकलने की ताक में था।
बाहर ठंड हो रही ना, बारिश होगी। तो दोस्तों रेड स्नेक को हमने काबू कर लिया और करनाल एक हरियाणा के शांति प्रिय शहरों में गिना जाता है, जो राजा दानवीर कर्ण की नगरी है। और ऐसी जगह जैसे अभी बारिश का मौसम है, हवा में पानी भर गया, तो ऐसी जगह ये सांप आते ही रहते हैं चूहे खाने के लिए। और बस सिलसिला शुरू हो चुका है, दिन रात सांप पकड़ते रहेंगे और आपको सांपों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। एक रेड स्नेक जिसको किसान मित्र हम बोलते हैं, नॉन पॉइजनस, लेकिन आदमी काटता बहुत है, गुस्से में काट लेता है। तो प्लीज हमारी वीडियो देखकर हमारी नकल ना करें। धन्यवाद।